के एक को, कोई भी इरिटेंट जो है ना वो फोकाई कोई टॉपिक फोकाई बन जाता है ठीक है फिर होता क्या है कि नॉर्मल जब भी इम्पल्स चलती है तो इम्पल्स जब अपना साइकिल कवर कर लेती है तो मतलब जैसे ही एस से नोट इंपल्स आई ठीक है वेंट्रिकल के अंदर मतलब हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली जब इम्पल्स जब सप्लाई कर लेती है सारे वेंट्रिकल को तो उसके बाद सारे का सारा वेंट्रिकल अभी रिफ्रैक्टिव पीरियड में होता है ठीक है

Period ही काम हो जाए उस केस में क्या होगा वो impulse डाई आउट नहीं करेगी मसल के, मसल के कर फिर, फिर कर एक तो ये वजह हो सकती है नंबर दो तो वजह हो सकती है कि अगर आपका मसल ही आपका हार्ट ही डायलेट कर गया हो और जना पाथ लॉन्गर हो गया हो तो उसमें ये होता है कि इम्पल्स को सारे इम्पल्स जब सारे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो उसको पता चलता है वापस ठीक है तो उसको पता चलता है कि बहुत सा मसल का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है, से आ गया होता है, ठीक है तो इस तरह से ना इम्पल्स की जो कंडक्शन है उसकी अगर विलॉसिटी स्लो हो वो किसी भी से ब्लॉक्स की वजह से हो सकता है हो सकता है उसका नाम क्या है ठीक है ना तो अगर तो वो विलासिटी ऑफ कंडक्शन ही स्लो हो तो उसके साइकिल के पूरा करने तक यानी कि जो आपका है

उट uh, हो हो uh, हो हो, कर जाती है लेकिन इसमें डाई आउट नहीं कर रही बार बार रि एक्साइड कर रही है ठीक है और उसकी वजह यह है हार्ट का जो है ना वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से कुछ सा बाहर आ जाता है उसकी वाप, वापस आने तक उस ठीक है ना वो भी रिफ्रैक्टिव पीरियड से कुछ सा बाहर आ गया होता है तक है, ये है? और अब, अब करेगी उसमें तो कुछ हिस्सा जो रिफेक्टिव से बाहर आया होगा उसको करेगी फिर बाकी कुछ हिस्से को करेगी ठीक है तो इससे ये होगा कि हार्ट जो है ना वो आपका वो पैचिस में डिवाइड हो जाएगा कि अब अब देखो अब दूसरी बार जो कर रही है उसमें तो

जब ब्रेन uh, सही से ब्लड सही से वेंटिकल पंप नहीं कर पाएगा तो आपका uh, आपको अनकॉन्शियसनेस भी हो जाएगी ठीक है जी तो ये सब बातें थी चलो अब इसकी हमें मजीद डिटेल जब हम मजीद डिटेल पढ़ेंगे ना तो हमें ये भी सही से बात पता चल जाएगी कि पैचेस कैसे बन रहे हैं ठीक है और ठीक है ना और वो सही से पंप क्यों नहीं कर रहा चलो अब जरा यहाँ पे आओ ये देखो अब हमने कल कहा था ना कि ए, ए, इलेक्ट्रिक शॉक जो है ना वो इसकी एक रीजन है कि आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हो तो हार्ट फिब्रिलेशन में चला जाता है चलो अब जरा ना मैं चाह रहा हूँ आप आप बाकी जो टाइम है ना वो अच्छा सुन लो ठीक है ये देखो जी अब देखो यहाँ पे आपने स्टिमुलेंट दिया यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया ठीक है देखो पहली बार तो जब आपने करंट दिया तब ये हुआ कि आपने पहली बार जब आपने दिया अब मैं यहाँ से सारी कहानी आपको सुना रहा हूँ सिर्फ कहानी है मैं बता रहा हूँ ठीक है ना जो ठीक है ना जो पीछे कल पढ़ाया था वो कहानी के साथ साथ हर हर पॉइंट पे एक कॉन्सेप्ट था मतलब अब यहाँ से लेकर ना एंड तक सिर्फ एक कहानी है लेकिन वो जो पीछे कल पढ़ा रहा था ना वो कहानी के साथ साथ हर हर लाइन पे एक नहीं था ठीक इस तो है ना कि यहाँ पे ये यह क्यों हो रहा है यहाँ पे ये क्यों हो रहा है क्योंकि इसी के अंदर तो फिर हर पॉइंट पे समझना जरूरी है ना कि यहाँ पे क्यों हुआ है लेकिन ये तो एक कहानी है ठीक है चलो अब जब आप पहली दफा जब आपने करंट दिया तो सारे का सारा जो हार्ट का मसल था आपको पता है सारे का सारा डीपोलराइज हो गया सारे का सारा चला गया ठीक है? मतलब है, है ना ठीक है तो आप उसको इतनी दफा वो उसको बार बार सिमुलेंट मिल रहा है ठीक है ना कि करंट जो है वो ठीक है ना करंट का ये साइकिल है सिक्स साइकिल एसी करंट ठीक है तो जब आप पहला साइकिल जब आप पहले साइकिल में उसको करंट मिलेगा तो उससे क्या होगा कि आपका जनाबे वाला आपका सारे का सारा हार्ट जो है बस सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सारे का सारा रिफ, रिफ्रैक्टिव पीरियड में चल जाएगा ये तो बात बिल्कुल आसान है ठीक है सारा चला गया रिफ्रैक्टिव पीरियड में लेकिन अब क्या होगा कि अब जनाबे वाला अब पच्चीस सेकेंड के बाद कुछ हिस्सा जो होगा ना मसल का वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ जाएगा और कुछ हिस्सा अभी तक रिफ्रैक्टिव पीरियड में ही होगा ठीक है ना क्या कहता है वो बिगिन पच्चीस के बाद 0. 5, 0. सेकंड के बाद कुछ हिस्सा कुछ तक के ही है। अब, अब मेरी अब पीछे से हालांकि अब, अब यानी कि साइनस नोड वाली कंडीशन नहीं है कि साइनस नोड में तो एक दफा आया बस अब तो को थोड़ी देर के बाद ही आना है ना ऐसे नोड के अंदर उसके बाद तो थोड़ी देर के बाद आता है इसमें तो करंट अंदर बैठ ही गया है

और कुछ ये है जो रिफेक्टिविर से बाहर नहीं आया जो अभी तक ये ये वाला जो है डार्क वाला पीरियड के अंदर गया यहाँ से अब करंट आई जा रहा है जा रहा है अब ये देखो ये अब उधर ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा उसको रियक्साइड दोबारा करेगा जो कि से बाहर आ गया ठीक है।, है ये देख रहे हो ये अगेन उसको रियक्साइड करेगा क्योंकि वो तो आ गया है नाफेक्ट तो से बाहर तो वहां से इंपल्स तो आ रही है कंटिन्यूसली ठीक है ऐसे नोड वाला तो है नहीं कि एक दफा सारा चलो एक दफा सारा से आ जाए फिर उसके अंदर ब्लड सारा पंप हो ले तो उसके बाद फिर एवी नोड के अंदर डिले हो रहा है, है? मेरी भर मेरी पहले पहले ले तो फिर मैं इसको इंपल्स भेजूंगा फिर ये के बड़ी ये बड़ी ये इसको तेजी से इंपल्स सारा इकट्ठा फैक्ट्री में जाएगा वो तो इंपल्स तो ये देखो ये तो समझ लो ये बाहर बैठ गया है ये तो इधर ही बैठ गया साइकिल का करंट है उसने जैसे ही से बाहर आया उसने देखो अभी तक पूरा रिफेक्टिव से बाहर ही नहीं आया उसने फिर obviously भाई जो जो से बाहर आएगा इंपल्स, तो इंपल्स तो बैठी ही है करंट तो है करंट तो जा रहा है देखो करंट को तो जगह से बाहर आ वो रास्ता बन गया वो करंट का रास्ता बन गया ठीक है अच्छा जी इतनी बात पता चल गई कि जैसे कुछ हिस्सा बाहर आया उसने उसको रीएक्साइट कर देना ठीक है चलो ठीक है चलो इतनी पता चल गई ठीक है तो अब क्या होगा कि आपका जो ये uh, continuing जो आपको सिक्स साइकिल का मिल रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रोड वो क्या कर रहा है वो certain में तो ड्रेवल कर सकता है लेकिन बाकी डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि जहां पे रिफेक्टिव पीरियड है, है वहां पर तो नहीं ना जा सकता लेकिन जहां पर ट्रेवल कर सकता है कर सकता है ना देखो जहा पीरियड है वो तो वो तो साइड नहीं ना होगा जहां पे जाता जाएगा, जाता जाएगा उन सबको डीपोलराइज करके उन सबको उन सबको वो करता जाएगा ठीक है वहां से तो वो ट्रैवल करता जाएगा ना वहां पे तो ट्रेवल वहाँ पे तो रिफ्रेटिवियड से जो एरिया बाहर आ गया है उसको तो डीपोलर डीपोलाइज करता जा रहा है करता जा रहा है और करता जा रहा है और उनको भी डीपोलराइज करना है तो उनको रिफेक्टिव पीरियड में ही एंटर करता जा रहा है लेकिन ये है कि की ट्रेवल तो कर रही है ना वहां से ठीक है मतलब घर घर से घर घर से जाती जा रही जाती जा रही है भाई ये रिफेक्टिव पेड से बाहर आ गया मतलब ये अब अगेन इनको भूख लग गया है ठीक है

हाँ वो गुजर रही है वो उनको भी रिफ्रैक्टिव पीरियड में डाल रही है क्योंकि mainly, कि वो, है ना, कि उनको लेकिन ये वो रास्ते हैं ठीक है और जो जो रिटिव के अंदर है वो ब्लॉकेजेस है ठीक है क्योंकि वहां तो नहीं एम्पल जा सकती तो ये कार्रवाई चल रही है तो इम्पल जो है वो स्ट्रीटन डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं जा सकती क्योंकि ब्लॉकों में ब्लॉकेज ब्लॉकेज पड़ी हुई है ब्लॉकेज ब्लॉकेज है अभी सारा तो रिवेक्ट पेरियड से बाहर आया

इम्पल्स थोड़ी देर के लिए चलती है चलती है फिर वो मतलब सपोज ये ऐसे चलती आगे से कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव पीरियड आ जाता है कोई ब्लॉक ब्लॉक आ जाता है ठीक है और फिर वो ब्लॉक ब्लॉक ठीक है और ये देखो धैन uh, the अच्छा यहाँ से आप ये जो उसने बात की ये समझो देखो अब यहाँ पे इम्पल्स थी ना ये देखो यहाँ पे चली आगे से ब्लॉक हो गई ये देखो 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 ठीक है यानी कि कुछ इम्पल्स होती है ब्लॉक भी हो जाती है और कुछ इम्पल्स होती हैं जो के डिवाइड हो जाती हैं अब ये बात समझ नहीं आप लोगों ने ठीक है अब ये बात मैं चाहता हूँ कि अब 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 ये वाली बात समझो तो कुछ इम्पल्स जो होती हैं वो जब रिफेक्टिव रेड के पास जाती है ना तो वो डिवाइड हो जाती हैं और कुछ ब्लॉक हो जाती हैं ये देखो यहाँ पे तो फंस ही गई ना अब आगे निकलने का रास्ता ही नहीं है लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे जो पैसा बना हुआ था जो रिफ्लेक्टिव यानी कि यहाँ पे ब्लॉकेज जब बहुत बड़ी है तो वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई ब्लॉक हो गई ना बिल्कुल यहाँ पे भी देखो ब्लॉकेज का निकलने का रास्ता नहीं था बिल्कुल ब्लॉक हो गई यहाँ पे देखो यहाँ पे बस इस तरफ जा रही थी ब्लॉक थी वो दो एक एक इधर निकल गई किधर निकल गई अब ये बात ये डिवीजन वाली बात प्लीज समझ लो जो ब्लॉक हो गई उसको तो कहानी खत्म हो गई ना उसको तो छोड़ दो वो तो वैसे ही जैसे हम पढ़ते नहीं है कि वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में चूंकि सारा मसल रिफ्रैक्टिव पीरियड में होता है तो डाई आउट हो जाती है ये ब्लॉक वाली तो समझो डाई आउट हो गई है ठीक है और जो डिवाइड हो रही है वो सोचो वो क्या क्या कुछ नहीं करेगी सोचो मेरे भाई वो डिवाइड होकर दो बन गई है फिर आगे चलते चलते फिर और जहां पे और कोई डिफेक्टिव पीरियड आएगा वो वहां पे अगेन दो बन गई अगेन दो बन गई और और, उनकी दो भी बन गई उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है ना ठीक है दोनों साइडों पे निकल गई ब्लॉकेज की दोनों साइडों पे ऐसे इसकी भी दोनों साइडों पे इसकी भी दोनों साइडों पे जहां जहां पे यानी कि डिवीजन ऑफ इम्पल्स शुरू हो गया है और डिवीजन भी शुरू हो गई उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होती जा रही है मतलब आप वो डायरेक्शन ही डायरेक्शन ये देखो बात समझ आई ऐसे डिवाइड होती चली जा रही है ठीक है जहाँ जहाँ पे कोई कोई जहा वो उसके दोनों पर के अब आपको ना बेसिक कहानी पता चल गई है अब यहां से देखो फर्स्ट वो कहता है, है ना वो ए, वो इमेंचुएट कर रहे होते हैं डीपोलराजेशन में फेब्रिलेशन में ये जो इवेंट्स है ना ये फेब्रिलेशन के अंदर उसको लेके जा रहे होते हैं कैसे भला अब बताओ पहली रीजन तो ये कहता है कि ये है कि कुछ कि कुछ डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है कुछ में नहीं कर सकती ठीक है और जनाब ना ये ने री रीएंट्रेंट सिग्नल के लिए डेवलप होने के लिए ठीक है क्योंकि ट्रांसमिशन जो है वो कुछ डायरेक्शन में हो सकती है जबकि अदर डायरेक्शन में नहीं हो सकती अब इस बात की आपको मतलब समझ आया कि वो कहता है कि अब देखो ये, ये फेबरेशन हो नहीं गई के पास ये फेब्रिलेशन हो गई

ठीक है इस इंपल्स की ठीक है ठीक है फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कम हो जाएगा आपके मसल का मसल का रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कम होना शुरू हो जाएगा अच्छा ये मसल का रिफ्रैक्टिव पीरियड क्यों कम होना शुरू हो गया क्योंकि आप बार-बार स्टिमुलेट कर रहे हो बार-बार उसके सर पे चढ़ गए हो ठीक है ये देखो इस बात की वजह देखो रैपिड स्टिमुलेशन से क्या होता है रैपिड स्टिमुलेशन से मतलब रैपिड स्टिमुलेशन आप जो एसी करंट के जरिए आप दे रहे हो

a1 इसके अंदर इन इनकी वजह से पाथवे भी लॉन्गर हो जाता है ये देखो वो भी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंथ रिंग का पाथवे भी हो जाता है वो क्यों वो क्यों देखो मेरी बात सुनो अब सपोज ये ठीक है ना अब असल में डायग्राम थोड़ी बड़ी सी बनी होती ना और ज्यादा सारा उसने दिखाया होता अब मेरी बात सुनो अब अब अगर इसने यहां तक जाना है ठीक है अब ब्लॉकेज की वजह से घूम के जाना पड़ेगा ठीक है ना ब्लॉकेज की वजह से उसको घूम के उधर तक जाना पड़ेगा ठीक है यानी कि हार्ट के अंदर देखो ना कहीं पे ब्लॉक है कहीं पे ब्लॉक नहीं है कहीं कहीं पे कहीं पे ब्लॉक ब्लॉक अगर तो तो ना होता वो डायरेक्ट जाता ब्लॉकेज की वजह से उसे घूम के जाना मतलब डिस्टेंस पाथवे भी बड़ा हो गया है उससे ज्यादा देर लग रही है सारे को करने के लिए तो पाथवे भी लॉन्गर हो गया है आपका आपको बार बार एक्साइट करने की वजह से उसका रिफ्टिव पीरियड भी कम हो गया ब्लॉकेजेस की वजह से उसका उसका क्या नाम है आपका वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी कम हो गई है ठीक है स्लो हो गई है तो सब कुछ हो रहा है इसकी वजह से ठीक है ना सब कुछ हो रहा है ठीक है बात समझ आई अच्छा जी ओहो अच्छा अब डिवीजन ऑफ इंपल्स वाली बात भी समझ आ गई कि और क्या हो रहा है डिवीजन ऑफ इंपल्सिस हो रही है कि जब एक वे, एक वेव जब पहुंचती है एक रिफ्रैक्टरी पीरियड के आगे तो वो ठीक है ना तो वो दोनों साइड पर निकल जाती है तो एक इम्पल्स दो बन जाती है सिंगल इम्पल्स बिकॉम्स